हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग हनी ड्यू के फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं इसमें तीन पार्ट हैं, तो दो पार्ट्स के क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। इसकी समरी सारांश हिंदी में नहीं देखा है तो उसका भी लिंक पड़ा है, जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग इसके थर्ड पार्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इनको एक बार सुनने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आइए देखिए कंप्रिहेंशन चेक का एक क्वेश्चन, पार्ट थर्ड का। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिजपोर्ट? तो लेखक ब्रिजपोर्ट क्यों गया? आंसर, द ऑथर वेंट टू ब्रिजपोर्ट टू मीट कोनी मैकफर्सन। लेखक ब्रिजपोर्ट कोनी मैकफर्सन से मिलने गया। हर एड्रेस वाज, उनका पता था, मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेज ब्रिजपोर्ट एंड डोरसेट, ये उनका पता था। ही वॉन्टेड टू डिलीवर द लेटर टू हर रिटन बाय हर हस्बैंड। वह उनके पति द्वारा लिखे गए पत्र को उन्हें देना चाहता था। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकफर्सन नाउ, वेयर वाज शी? तो मिसेज मैकफर्सन अब कहाँ थी, कितनी उम्र की थी, कितनी वृद्ध थी और वे कहाँ पर थी, उनकी उम्र क्या थी, कहाँ पर थी? आंसर, मिसेज कोनी मैकफर्सन। तो मिसेज कोनी मैकफर्सन वाज अ 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की थी। मिसेज कोनी मैकफर्सन 101 साल की थी। शी वाज इन द बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, वे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में थी। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द डोरसेट रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। यह डोरचेस्टर रोड पर स्थित था, कस्बे के दूसरी तरफ डोरचेस्टर रोड पर स्थित था। थर्ड क्वेश्चन है, हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज? कोनी मैकफर्सन विजिटर को, आगंतुक को अपना क्या समझती है? आंसर, कोनी मैकफर्सन थॉट द विजिटर कैरिंग द लेटर वाज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। तो कोनी मैकफर्सन ने सोचा कि विजिटर जो आगंतुक आया है, पत्र लेकर, कैरिंग द लेटर पत्र लेकर, वाज हर हस्बैंड, वह उनका पति था, जिम मैकफर्सन था, ऐसा सोचा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हिज आइडेंटिटी? हाइड शब्द छूट गया टाइप करने में, डिड नॉट ट्राई टू हाइड, HIDE आप लिख लीजिएगा। तो कौन सा सेंटेंस टेक्स्ट में, किताब में ये दर्शाता है कि जो आगंतुक था वह अपनी पहचान हाइड करने, छुपाने का प्रयास नहीं किया? आंसर, सेंटेंस जो दर्शाता है दैट कि द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, वह वाक्य जो दर्शाता है, दिखाता है कि आगंतुक अपनी पहचान छुपाने का प्रयास नहीं करता है, इज है, ये न्यूट्रल का मैंने लिखा है, आप भी ऐसे लिख दीजिएगा या ब्लैक पेन से लिखिएगा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क
मैंने डेस्क के बारे में समझाया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, ये भी बताया कि मैंने इसे कैसे पाया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता, मैं नहीं समझता हूँ कि वे सुन रही थी। इस सेंटेंस से पता चलता है कि वह अपनी पहचान छुपाने का प्रयास नहीं किया। फ्रॉम दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस से वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं दैट कि द आथर ट्राइज हिज बेस्ट, कि लेखक अपना पूरा प्रयास करता है टू एक्सप्लेन, ये समझाने का हाउ ही फाउंड द लेटर इन द ओल्ड रोल टॉप डेस्क, कि उसने ओल्ड रोल टॉप डेस्क में किस तरह से इस पत्र को पाया। बट मिसेज मैकफर्सन डिडंट पे अटेंशन टू हिज वर्ड्स, किंतु मिसेज मैकफर्सन ने उसके इन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।